नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सरपंच पति श्री विश्वकर्मा जी हैं। आपका शुभ नाम? शिव प्रसाद विश्वकर्मा। शिव प्रसाद विश्वकर्मा, आपकी वाइफ सरपंच है यहाँ पे। हाँ, क्या नाम है उनका? सिया दुलारी विश्वकर्मा। और आपके जो सचिव हैं उनका नाम? मेरे सचिव अरविंद मिश्रा। और सहायक सचिव? सहायक सचिव सुनील सुनील तिवारी। तो ये शिवराजपुर पंचायत है, और कहाँ पे आपकी ये गौशाला बनाई जा रही है? शिवराजपुर पंचायत में नाला के पास है जी। तो आपके अनुसार ये गौशाला लगभग कब तक पूर्ण हो जाएगी? हमारे हिसाब से ये गौशाला 15 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगी। 15 जनवरी तक। और इस गौशाला में राशि कितनी सेंक्शन हुई है? इस गौशाला में राशि सेंक्शन है 2762 के लगभग है। 2762 टेक्निकल सेंक्शन हुआ, TS। जी जी। तो अभी तक आपका कितना इसमें राशि लग चुकी है? अभी तक में मेरी राशि करीब 15 लाख के लगभग लग चुकी है। और कितना बिल आपका पास हो चुका है इसमें? बिल अभी तक में मेरा पास हुआ है 5,86,000 का। मटेरियल का? मटेरियल का। और लेबर? और लेबर का करीब 1.5 लाख का पेमेंट हुआ है। बेसहारा पशुओं की, आवारा पशुओं की समस्याएं आज जिले की हर ग्राम पंचायत में है, संभवतः आपकी भी पंचायत में है। पेपरों में सुनने को मिलता है, आसपास निकलिए तो तमाम मवेशी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये गौशाला बनने के बाद क्या कुछ किसानों को लाभ होगा और मवेशियों को उससे क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? अब गौशाला बनने के बाद किसानों को, जैसे किसान खेती बोते जोते हैं, आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को संरक्षण मतलब गौशाला में मिलेगा तो कुछ किसानों को तो राहत मिलेगी जी। और मवेशी जो आप उनके विषय में क्या कहना है आपका कि वो आवारा मवेशी कहाँ से आते हैं, कौन छोड़ता है उनको? ये आवारा मवेशी छोड़ते हैं यही जो किसान है, किसानों के द्वारा छोड़ा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक गौशाला जिसमें से मुश्किल से आपका 100-150-200 मवेशी आएंगे और यहाँ तो हजारों की संख्या में मवेशी हैं, तो बाकी का क्या होगा? अब बाकी का भी प्रशासन की व्यवस्था है कि आगे क्या करेगी, कि दूसरा बन जाए आसपास के गांव और पंचायतों में दूसरा बन जाए। हाँ, दूसरा बन जाए। आपका शुभ नाम? राम मनोहर पटेल। आप यही शिवराजपुर पंचायत से हैं? हाँ। आप किसान हैं? हम किसान हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बेसहारा मवेशी हैं कहाँ से आते हैं, कौन छोड़ता है इनको? से आते हैं सब, सब छाड़ते हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि गौशाला के अंदर में सब व्यवस्था हो जाए गौशाला। लेकिन सरकार की एक क्षमता है कि वो कितनी गौशाला बना पाएगी, लेकिन क्या वो घर घर के लिए गौशाला थोड़ी बना सकती है? घर घर का तो ना बन पाई पाई, मगर कितने भी वैसी वैसा ना रहा आबत है। क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि हम मवेशियों को आवारा ना छोड़े? किसान पशुपालक अब मवेशियों को आवारा ना छोड़े तो उनकी संख्या स्वाभाविक तौर पर कम रहेगी। अब किसान कौन है, तो 2-4 माल रखा तो कि बगा कम नहीं तो सब ऐसे छाड़ दी हैं, जिसकी वजह से आवारा मवेशियों की समस्याएं हो रही हैं। हो रही है, और जिसकी वजह से किसान परेशान है, आवारा मवेशी बेसहारा हो करके वो परेशान है, क्योंकि वो भी अच्छा। पशु क्रूरता की घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में, सरपंच साहब, आपके क्षेत्र में पशु क्रूरता, जैसे लोग अवैध बाड़े बना देते हैं, पशुओं का मुंह बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं तार से, इस तरह से वाकया सुनने को मिलता रहता है। जी। आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में आसपास कितने ऐसे मामले प्रकाश में आए? ऐसे मामले तो बीच बीच में आते रहते हैं कि जैसे पशुओं का मुंह बांध देंगे और तार से जकड़ देंगे, पर वो इसमें पशुओं की गलती तो नहीं है, इसमें जो पशुपालन है उनकी गलती है। पशुपालक की गलती है भाई, पशुपालक ना छोड़े, पशुपालक अपनी जिम्मेवारी समझे कि हमारा जैसे नुकसान है ऐसे दूसरे का भी नुकसान है, तो पर नहीं है, लोग समझते नहीं हैं, बस अपना जब तक उससे मतलब था तो किए निकाले काम, नहीं तो छोड़ दिए। तो आपने देखा कि किस तरह से पशुपालक और किसान ही हम आप सब जो समाज के लोग हैं मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, बढ़ने के कारण वो हमारे लिए ही मुसीबत बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार कितनी गौशालाएं बना पाएगी? हर ब्लॉक में फिलहाल 3 या 4 गौशालाएं बनाई जा रही हैं। पता यह भी चला है कि 12 गौशालाओं का प्रपोजल फिर हर एक ब्लॉक से मांगा गया है, तो 12 गौशालाएं और भी बनेगी और क्या कुछ सरकार कर पाएगी, ये तो अपने आप में है ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है, देखना यह पड़ेगा कि गौशालाएं कहाँ तक आवारा या बेसहारा मवेशियों का
संरक्षण कर पाएंगी या कहां तक उनका समाधान है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी के साथ मैं आपको ये दिखाते हुए वाकया पूरा नईगढ़ी ब्लॉक का है, रीवा मध्य प्रदेश शिवराजपुर पंचायत पिपर छता नामक स्थान पर है जो गौशाला बनाई जा रही है। यहाँ पर और भी उपस्थित नागरिक गण हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, मिस्त्री हैं, लेबर हैं, सारे लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि यह गौशाला लगभग कितने परसेंट आपके समक्ष है, पूरी हो चुकी है। सामने मटेरियल भी पड़ा हुआ है इस तरह से। यहाँ के सरपंच पति विश्वकर्मा जी से भी हमने आपको बात करवाई। और अब देखना यह है कि ये गौशाला कब तक पूर्ण होती है और इससे फिर आम जनता को, मवेशियों को, बेसहारा गोवंशों को, किसानों को कितनी कुछ राहत मिल पाती है। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी आपको वापस ले चलूँगा रीवा मध्य प्रदेश। धन्यवाद।